ये सब उदासी में है तो दुर्बल प्लस दुर्बल होगा। अरे आप समझिए कि अगर दोनों ही दुर्बल होंगे, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार होंगे, तो दोनों ही दुर्बल है तो क्रिया कौन करेगा? क्रिया होगी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, प्रबल ही अम्ल होगा और प्रबल ही क्षार होगा। और आपको पता है दो ताकतवर अगर लड़ते हैं बराबर से, उनमें अगर पावर है तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों ही न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। कई बार होता है कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया टीम दोनों को बराबर अंक मिले, क्या करना, टाई करना पड़ता, दोनों को बराबर नाम देना पड़ता। तो यहाँ भी यही है कि अगर मान लो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, उदासीन लवण बनाते हैं, ठीक है ना। वो मैंने क्लियर कर दिया, स्टूडेंट दिमाग में आ रहा होगा सर दोनों की जगह दुर्बल भी तो हो सकता है, तो दुर्बल दुर्बल क्रिया करके दुर्बल हो जाएगा। अरे जो दुर्बल ही होगा वो क्रिया क्या करेगा, क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। आगे तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई अपमार जब उदासीन क्यों होता है, ठीक है ना, ये चार ये क्यों होता है, तो आपको रीजन स्पष्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। और यदि हम बात करें भाई ये क्षारीय प्रकृति का होने के कारण, देखो धोने वाले को मतलब कि स्किन को त्वचा प्लस कपड़े दोनों के लिए क्या होते हैं, ये नुकसानदायी होते हैं। और ये उदासीन होने के कारण न तो स्किन को नुकसान करते हैं न ये कपड़े को नुकसान करते हैं, ये क्या है, श्रेष्ठ है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि चाहे उनसे, चाहे आप मार्जक से ऊनी कपड़े धोइए, चाहे रेशमी धोइए, चाहे आप कॉटन धोइए, किसी भी प्रकार का कपड़ा धोइए, सबके लिए ये क्या है, श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ हम बात करें थोड़ा सा कि ऊनी और रेशमी जैसे कपड़ों के लिए तो ये बिल्कुल ही श्रेष्ठ नहीं हुआ। अरे बात समझ में। और यदि हम बात करना चाहेंगे इनमें और क्या अंतर हो सकता है, साबुन को बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ होता है वो वनस्पति तेल को काम में लिया जाता है। किसको काम में लिया जाता है, वनस्पति तेल को काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए जब ये वनस्पति तेल काम में आता है, वनस्पति तेलों को काम में लिया जाता है। लेकिन यदि हम अपमार्जन की बात कर जाएं तो इनको बनाने के लिए पेट्रोलियम उत्पाद काम में लेते हैं। आपने सुना होगा ड्राई क्लीन, ड्राई क्लीन, ड्राई क्लीनर्स की दुकान पर जब हम जाते हैं तो इतना तो सुना ही होगा कि पेट्रोल से इसको, ठीक है। बट आप सिंपल सा समझ लीजिए कि अपमार्जन जो होते हैं ये पेट्रोलियम उत्पादों से बनते हैं। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा दिखाएंगे आपको। तो ये तो क्या थे, वनस्पति तेल कच्चा पदार्थ काम में आता है, और इसमें क्या आता है, पेट्रोलियम पदार्थ काम में आते हैं या उत्पाद काम में लिए जाते हैं, ये इसका चौथा अंतर। अगली बात समझ में, किसका, साबुन और अपमार्जक। अगली बात समझ में, तो देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। सबसे पहले तो अंतर इनकी डेफिनेशन का ही हो जाता है, और डेफिनेशन के अंतर को जब मैं इंक्लूड करता हूँ तो अंतर कितने हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे। और यदि हम अंतर की बात करें तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो साबुन होते हैं ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ में क्या बनाते हैं, अक्षय बनाते हैं, अर्थात अविलय पदार्थ बनाते हैं। अगली बात समझे, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ में जब क्रिया करता है, केवल हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये कठोरता के संदर्भ में बात कर रहे हैं, कठोर जल की बात कर रहे हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ में ये क्या करता है, विलय अर्थात अविलय जैसा पदार्थ नहीं बनाता है। तो यही कारण होता है कि यह कठोर जल में श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है, जबकि ये नहीं दे सकता। और संभावना की बात भी क्या है, देता ही है, ठीक है ना। तो अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न करके पूछा जाता है, थोड़ा सा मतलब घुमा देता है, मान लीजिए कि अपमार्जक साबुन की अपेक्षा श्रेष्ठ है,
ठीक है ना। तो जो मैंने आपको ये अलग अलग पॉइंट लिखाए हैं, आप जबकि जबकि लगा के लिख सकते हैं कि ये इनके लिए मतलब कि ये केवल क्या बोलते हैं सूती और ऊनी या रेशमी वस्त्रों के लिए ये श्रेष्ठ नहीं है, जबकि ये श्रेष्ठ हैं, त्वचा के लिए नुकसानदायक हैं, कपड़ों के लिए नुकसानदायक हैं, जबकि ये नहीं है, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि अपमार्जक कठोर जल में श्रेष्ठ परिणाम देता है जबकि साबुन नहीं, लिखी है। तो आपको यही कहना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में जब अपमार्जक क्रिया करता है तो वो अविलेय जैसा कोई पदार्थ नहीं बनाता है, इसलिए गंदगी आसानी से दूर हो जाती है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ जब साबुन क्रिया करता है तो अविलेय पदार्थ अवक्षेप बनाता है, जिससे गंदगी उसके चिपकी रह जाती है, दूर नहीं होती, ठीक है। आगे देखिए, तो ये तो रहा साबुन और अपमार्जक के बारे में, लेकिन आप पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि साबुन और अपमार्जक कपड़ों के लिए धुलाई या कपड़ों की धुलाई करते किस प्रकार से, कैसे होती होगी इनकी। तो देखिए, कपड़ों की धुलाई किस प्रकार से होती है, इसी के लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर निषेध के बारे में, इनमें से क्या है, इस तरीके से काम कर, ठीक है। तो यह आपको पता होगा कि साबुन और या अपमार्जक के अणु के कितने सिरे हैं, दो सिरे हैं, एक कार्बनिक श्रृंखला वाला है या फिर कार्बनिक सिरा है और दूसरा आयनिक सिरा है। तो साबुन और या अपमार्जक के कितने सिरे होते हैं, दो सिरे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब अगर हम मैल की बात करें, या फिर गंदगी, तो अधिकांश मेल या जो गंदगी होती है वो सभी कैसे होते हैं, तेल के होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे तेल कैसे होते हैं सर, हम तो तेल ही नहीं लगाते हैं, मतलब बहुत से दे सकते हैं अपना जो व्यू है वो कह सकते हैं सर हम तेल ही नहीं लगाते हैं। अरे आप नहीं लगाते हो, लेकिन प्रकृति ने तो हमारे बॉडी में ग्रंथियां डाली है, तेलीय ग्रंथि वगैरह, तो तेल स्रावित होता रहता है। और स्वाभाविक है कि हम जब भी कोई भी चिकने पदार्थों के संपर्क में आते हैं, कपड़े के टच से हो ही जाता है वो, और वो डस्ट को क्या कर लेता है, अट्रैक्टिव कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि अधिकांश मैल या गंदगी कैसे होते हैं, तेलीय होते हैं, ठीक। माना कि ये कपड़े की सतह है, ये कपड़े की सतह है, ये कपड़ा हो गया, ठीक है, ये कपड़ा, ये, और ये माना कि इसमें गंदगी है। तो मैंने बता दिया कि ये कैसी है, तेलीय है, ये गंदगी हो गई, कैसी है, तेलीय है। तो जब साबुन को इस पर रगड़ा जाता है, इस पर इस मैल या गंदगी पे जब साबुन को रगड़ा जाएगा, तो साबुन के अणु अपने आप को इस गंदगी के चारों इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं, इस प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा एक क्लस्टर बना लेते हैं, एक गुच्छा बना लेते हैं, ये गंदगी है। तो साबुन के अणु इस तरीके से क्यों, इस तरीके से घेर लेते हैं, यह बोल लेते हैं किसको, इस गंदगी को। अब ये क्या है, ये जो मैंने इस तरीके से ये बताया है, ये पूरा ये क्या है, ये साबुन के अणु है, ये ठीक है ना। तो ये कैसा सिरा है, ये कार्बनिक सिरा है, कैसा है, ये कार्बनिक सिरा है, यूं इस तरीके से बना सकते हैं, ये तो कैसा है, आयनिक सिरा। अच्छा वहां भी दिखाई नहीं दे रहा क्या, चलो मैं इधर समझा देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से मैंने बनाया है, तो ये तो क्या है, आयनिक सिरा, ये कैसा है, कार्बनिक सिरा, कैसा है, कार्बनिक सिरा। तो साबुन के अणु कितने सिरे हुए हैं, दो सिरे हुए हैं, आयनिक और कार्बनिक। तो बताओ कार्बनिक सिरा किधर को है, तेलों की ओर या गंदगी की ओर, आयनिक सिरा कहाँ है, बाहर की ओर, अर्थात की पानी में, जल में, H2O में। अरे तो अब आप इसे व्यवस्थित करके डेफिनेशन दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, जब साबुन को या अपमार्जक को गंदे कपड़े पर रगड़ा जाता है, तो साबुन या अपमार्जक के अणु
अपने आप को गंदगी के चारों ओर इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि कार्बनिक सिरा तेल बूंद अर्थात गंदगी की ओर, आयनिक सिरा जल की ओर होता है, और गंदगी के चारों ओर इस प्रकार से बना एक गुच्छा क्या कहलाता है? मिसेल। मानना है कि मेरा समझ में आ गया होगा कि मिसेल क्या है। साबुन की भी सफाई प्रक्रिया, ये जो कपड़े की सफाई प्रक्रिया है, साबुन किस प्रकार से सफाई करता है, इसकी चर्चा तो मैं करूंगा अभी आपसे। सिर्फ आप अभी इतना समझिए कि मिसेल क्या है, ठीक है? एक बार दोबारा देखिए, देखिए ये गंदगी है साहब, गंदगी है, ये मैल है, और ये सब कैसे होते हैं? तेलीय होते हैं। साबुन को रगड़ा इस तरह, साबुन को रगड़ते ही साबुन के अणु यूं व्यवस्थित हो गए, इसके साथ इस प्रकार से एडजस्ट, ठीक है? ये साबुन के ये बाहरी सिरा है, ये बड़ा, ये ठीक है। जब साबुन या मार्जक को गंदगी पर रगड़ा जाता है या कपड़े साफ किया जाता है, तो साबुन के अणु इस गंदगी के चारों ओर इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि कार्बनिक सिरा गंदगी की ओर या तेल बूंद की ओर, जबकि आयनिक सिरा बाहर जल की ओर होता है। इस प्रकार से गंदगी के चारों ओर बने गुच्छे को मिसेल कहते हैं। समझ में आ गया? अब ये सफाई प्रक्रिया किस प्रकार से करता है, ये मिसेल बनकर ही क्या करता है, सफाई प्रक्रिया करता है, ठीक है? अब किस प्रकार से ये मिसेल बनती है, किस प्रकार से सफाई होती है, बात देखिए। ये मिसेल हो गई, ठीक। दूसरे हो गए ये सिरा जो कहाँ है, ये पानी में है, जो सिरा पानी में है इसे बोलते हैं, या जल में है उसे अपन बोलते हैं जलरागी, हाइड्रोफिलिक। जो सिरा जल में घुलता है उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जल इसमें ही सिरा कहते हैं, जलरागी कहते हैं। आप जलरागी कहते हैं, जल इसमें ही कहते हैं, आप हाइड्रोफिलिक कहते हैं बाकी, ठीक। जो सिरा तेल बूंद में या गंदगी की ओर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जल विरागी। क्या बोलते हैं? जल विरागी बोलते हैं, या फिर इसे जल विरोधी भी बोलते हैं, ठीक है? अब कपड़े की सफाई प्रक्रिया कैसे होती है, जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ सेम टू सेम इसी प्रकार से, हालांकि आपको पीडीएफ में सारा सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, सिर्फ आप मेरे वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक है ना? आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़िए, सब कुछ आपको सिस्टमेटिक ढंग से परीक्षा की दृष्टि से, नोट्स की दृष्टि से, सारा सब कुछ आपको पीडीएफ में मिलेगा, आप टेंशन समझिए मत कीजिए बिल्कुल भी, ठीक है? और 2 तारीख से तो वैसे आप ऑफलाइन आ ही रहे हैं, तो शायद कि लेसन को आपको वहाँ उन्हें समझाना भी मुझे पड़ेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट उनके पास में फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है? बेचारे रूरल एरिया से होते हैं, उनके पास में नहीं हो पाती ऐसी सुविधा। बहुत से ऐसे होते हैं कि किसी को आई साइड प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है। मैं मानता हूँ कि जो ऑनलाइन का ये जो प्रोग्राम चल रहा है, मुश्किल से 25-30% मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 25-30% स्टूडेंट की देख पा रहे हैं, तो इसलिए ऑफलाइन क्लास में सारा सब कुछ बताना भी है, समझाना है, आपको लिखाना है, ठीक है? बट जो प्रोग्राम चल रहा है उसका हिस्सा तो आपको भी बनना है, हमको भी बनना है, ठीक? अब तो जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझते रहें। आप डायग्राम को देख करके अपनी लैंग्वेज लिखना सीखिए, आप अपने शब्दों में लिखना सीखिए, ठीक है? कभी भी मैं मान लो आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर ने जैसा लिखा दिया वैसे ही वैसे स्टूडेंट उसकी कॉपी करते हैं। साथियों, मेरा मानना है कि ये जो तरीका है मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। आप उस विषय वस्तु को, आप उस कंटेंट को समझिए ना, और समझ करके आप अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में जो लिखता है, एनसीईआरटी यही तो कहता है। टीचर सिर्फ आपको क्या करता है, हल्का सब कुछ करता है, उस मार्क पर ले जाता है, आपको समझाता है, फिर आप अपने शब्दों में लिखिए उसको, ठीक है? तो मैं ये नहीं कहता कि जैसा मैंने लिखाया है वैसे आप नकल कीजिए, ठीक है? उसको क्लियर करते हुए अपने शब्दों में लिखिए, आप सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है ये, ठीक है? देखो, तो सफाई प्रक्रिया की हम बात करें, और एनसीईआरटी में आपकी क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि
अधिकांशतः महिलाएं या अधिकांश जब कपड़ों को धोया जाता है तो कपड़ों को डंडे से कूटा जाता है, पीटा जाता है, ब्रूस रगड़ी जाती है, उसे जोर जोर से पटका जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? यही रीजन है। देखो अधिकांश मेल या गंदगी तेलिए होते हैं, जब साबुन या अपमार्जक को कपड़े पर रगड़ा जाता है तो साबुन या अपमार्जक के अणु के दो सिरे होते हैं, एक सिरा तेल बूंद या गंदगी की ओर होता है जिसे कार्बनिक सिरा कहते हैं, दूसरा सिरा जल की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, इसे जल स्नेही कहते हैं। ठीक है, ये अणु साबुन के अणु तेल बूंद या गंदगी के चारों ओर इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं, आयनिक सिरा बाहर की ओर, कार्बनिक सिरा अंदर की ओर, और मिलकर के एक संरचना बनाते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। ठीक है, और ये मिसेल तेल बूंद या गंदगी को अपने चारों ओर घेर करके उसे सतह पर लेकर आता है, इस प्रकार से लेकर आता है। देखिए ये कपड़े की सतह है, यहाँ पर तेल बूंद या गंदगी है, ये इसके अणु इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए। ठीक है ना, और अणु आकर के इससे जुड़ गए, ये लीजिए और ऊपर आ जाएगी गंदगी, तो इस प्रकार से ये जुड़ जाते हैं, यूं जुड़ गए और ऊपर आ गए, इस प्रकार से और जुड़ जाएंगे। दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? देखिए आगे समझ लो, ये इस तरीके से ये बाहर आ गए, ये इस पे यहाँ इस तरीके से एडजस्ट हो गए, इस पे यूं हो जाएंगे, और लास्ट में ये जो सतह है ये अलग हो करके यूं इस तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे। ये लीजिए, ये अब क्या हुआ, कपड़े की सतह से ये गंदगी इन अणुओं के साथ में बाहर आ गई, पानी में जैसे ही डालेंगे तो डालने के पश्चात ये अलग हो जाएगा, कपड़ा अलग हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं, सफाई प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, आप भी जानते हैं, जैसे मान लीजिए धीरे धीरे आपको कोई वस्तु को खींचना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक साथ उसे पुश कर लोगे, खींच रहे हैं धीरे 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 धीरे, क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये मिसेल बन करके गंदगी और सतह के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं उसको क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा अधिकांशतः जो महिलाएं होती है, जो गृहिणी होती है, वो पहले डिटर्जेंट में कपड़े को डाल देती है, उसे कुछ समय के लिए छोड़ देती है, या फिर जैसे कि ब्रश साबुन लगा करके कपड़े को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है ब्रश रगड़ के, ताकि वो क्रिया करके मिसेल बना करके उस गंदगी को सतह पर ले आए, और जब उसे पानी में डाल करके आप अलग करते हैं तो गंदगी उसमें रह जाती है और कपड़ा क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आज का लास्ट वीडियो लेसन नंबर 4 फिनिश होता है। वीडियो की दृष्टि से आपको बुक के अंदर और बाहर एक्सरसाइज दी हुई है, जिस विद्यार्थी ने मेरे वीडियो लेक्चर देखे हैं उनको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, और आप पहले प्रयास कीजिए उन क्वेश्चनों को करने का, ऐसा नहीं कि मैं वो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन में आपको बताऊंगा वो सारे सब कुछ, ठीक है ना, लेकिन एक बार आप प्रयास करके देखिए, प्रयास करने के पश्चात आपको ये आभास हो जाएगा कि गलती हम कहाँ कर रहे हैं, हम क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं निकाल पा रहे, हमने कहाँ गलती की है। तो इस तरीके से आप जब प्रयास करेंगे जो कमियां होगी, और जब मैं बताऊंगा तो वो कमियों का वहाँ क्या हो जाएगा, निराकरण हो जाएगा। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, साइंस इज द बेस्ट एंड वेरी सिंपल सब्जेक्ट, डोंट वरी, जब तक हम हैं चिंता की कोई बात नहीं है। जय श्री श्याम, जय श्री राधे कृष्णा।